यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम भागवत 10:13-55 जगत प्रकाश प्रकाशक रामू सब कर परम प्रकाशक जोई पुर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसा सखा है वो हमारा, ये सख संबंध है। और ध्यान दो, हम जहां जहां जाते हैं वो साथ रहता है। और एक जगह तो ऐसी है जहां हमको वो थोड़ा सा आभास भी करा देता है कि देखो बेटा, मैं आनंद सिंधु हूं, सबको। कौन जगह है? यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम एवमेव प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं उसमें क्या होता है? भगवान आपका आलिंगन करते हैं, जीवात्मा का आलिंगन करते हैं परमात्मा। ये आइडिया देते हैं, देखो बेटा मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, ये आभास है। असली आलिंगन अगर चाहते हो तो मेरी ओर आओ। लेकिन फिर भी हम ऐसे मूड हैं कि नहीं समझ। और जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं तो प्राज्ञेनात्मना न्वारूढ़ः उत्सृजन जाति। बृहदारण्यकोपनिषद् वेद कह रहा है चार 3:35 वो साथ जाता है। हम मरने के बाद कुत्ते बने, गधे बने, तमाम योनियों में गए, सब जगह साथ साथ चला, साथ रहा। और अंत में महाप्रलय में तो उसके अंदर ही हम थे। क्या मतलब? 1/100 सेकंड को भी वो हमारा सखा हमारा साथ नहीं छोड़ता। और सायुज्य संबंध भी है, या आत्मनि तिष्ठति यस्याक्षरम शरीरम सुबालोपनिषद 7:1। हम उस भगवान के शरीर हैं, वो हमारी आत्मा है। जैसे हम शरीर की आत्मा है, ऐसे हम भगवान की शरीर है, भगवान हमारी आत्मा है। कृष्ण में नमेहित्वम आत्मा 10:14-55 तो हमारे उसके इतने संबंध है कि आप गिन नहीं सकते। ऐसा हमारा वो हितैषी रिश्तेदार है। लेकिन प्रमुख रूप से समझिए कि हम उसकी शक्ति है, इसलिए हमको अंश भी कहा जाता है, हम उसके अंश हैं।
और हमारा उससे भेदाभेद संबंध है, ये विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है वेदांत के द्वारा। वेदांत नाम सुन करके हमारे संसार में बहुत से लोग घबराते हैं। एक छोटी सी पुस्तक है, इतनी छोटी कि आप देखें उस पुस्तक को तो हंसे, और इतनी छोटी पुस्तक को बड़े बड़े जगत गुरुओं ने भाष्य लिखे। एक सूत्र का भाष्य 25-25, 30-30 पेज का, और सूत्र कितना बड़ा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य जाता, बस हो गया। अरे स्मृतेश्च हो गया, शब्द विशेषात हो गया, इतने छोटे छोटे सूत्र हैं, 4 अध्याय है कुल जमा टोटल, एक एक अध्याय के 4-4 पाद हैं। और अलग अलग अध्याय में अलग अलग संख्या के ब्रह्म सूत्र हैं। पहले अध्याय में 138 सूत्र हैं। निंबार्काचार्य ने कहा नहीं, 137 हैं। पहला 32, फिर 33, फिर 44, फिर 29। ये सूत्र है एक एक पाद में। तो चौथे पाद में निंबार्काचार्य ने 2 सूत्र को 1 बना दिया, 1-4-26, 1-4-27, आत्मकृते परिणामात। और आचार्यों ने 2 उसको भाग कर दिए, आत्मकृते अलग परिणामात अलग। इस सूत्र का मतलब क्या है? भगवान कहते हैं मैं ही संसार बन गया, मैं ही संसार बना हूं। भगवान जब अकेले थे तो क्या था उनके पास? एक तो वो थे और उनकी दोनों शक्तियां थी, जीव शक्ति और माया शक्ति। वो बाहर आ गई तो उसी को हम संसार कहते हैं। अरे ये शरीर आपका माया का है, और 2 आप और आपका बाप भगवान अंदर बैठे, ये 3 हो गए यहां भी, और फिर सर्वव्यापक भी है। इस संसार में क्या नहीं है? 3 तो है, आप ही के अंदर 3 है। और दूसरे में 4 सूत्र बढ़ा दिए, 2-1-12, 2-2-2-2-2-31, 2-2-38, ये 4 सूत्र अधिक बना दिए, तो 149 सूत्र थे दूसरी अध्याय में, तो उन्होंने 153 बना दिए। और तीसरे अध्याय में 182 सूत्र हैं, और आचार्यों के मत में तो इन्होंने 1 सूत्र वहां भी बढ़ा दिया। 3-2-4, तो 545 सूत्र कुल जमा टोटल और आचार्यों के मत में है,
इनके मत में 549 हो गए। इसलिए हम जो आप लोगों के आगे नंबर बोलते हैं तो कहीं कहीं आप लोग उन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो गड़बड़ में पड़ जाएंगे कि एक जगत गुरु ऐसा लिख रहा है, एक ऐसा। ये उपनिषदों में भी ऐसे ही है। जगदीश वगैरह जितने पुस्तक के छापने वाले हैं उनका नंबर अलग है और एक श्री राम हुए हैं, उन्होंने जो ग्रंथ प्रकाशित किया है उसके नंबर अलग कर दिए उन्होंने। इसलिए मतभेद हो गया थोड़ा थोड़ा, भागवत में नहीं, गीता में नहीं है और पुराणों में भी नहीं है। तो मैंने वेदांत और वेद सबके द्वारा ये सिद्ध किया कि ये मैं नाम का जो जीव तत्व है इसका भगवान से भेदाभेद संबंध है, यानी भेद भी है अभेद भी है। जो ऐसा दुराग्रह करते हैं कि नहीं अभेद ही है, तो वो जरा आंख खोल कर पढ़े वेदों को, कितना स्पष्ट लिखा है, सर्वाजीवे सर्वसंस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानम्। पृथक है तीसरा तत्व, और बार बार वेद कह रहा है त्रिविधम ब्रह्म में तत्व, तीन स्वरूप है। वेद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट दहर विद्या है, छांदोग्योपनिषद में 8:1:1 मंत्र है, अथ जदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम् भीष्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः तस्मिन् जदन्तः तदन्वेष्टव्यम्। छांदोग्योपनिषद 8:1:1। एक ब्रह्मपुर है, जैसे हमारे संसार में होता है रामपुर है, इस शहर का नाम, ऐसे एक ब्रह्मपुर है, उसमें एक घर है, उस घर में एक आंगन है, उस आंगन में एक रहस्य है, उसको जानना है, वही मेरा है। ओ, ये ब्रह्मपुर क्या है जी? चले हम लोग, आपका शरीर, ये शरीर ब्रह्मपुर है, इसमें ब्रह्म रहता है, इसमें एक घर है हृदय, उसी में रहता है वो हृदय ही एव आत्मा। प्रश्नोपनिषद 3:6 सवा एष आत्मा हृदि, छांदोग्योपनिषद 8:3:3 अभ्युपगमात हृदि ही, वेदांत भी कहता है वो हृदय में रहता है, उस हृदय में दहराकाश है, उस दहरा काश में रहस्य है कुछ। वो दहरा काश क्या है आगे कहता है वेद, यावान वा अयम आकाशस तावानेशो अंतर हृदय आकाशा उभे द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते
यच्चेहास्ति यच्चनास्ति तदस्मिन् सर्वं समाहितम्। 8:1-3 छांदोग्योपनिषद। जितना विश्व है और जो आप नहीं देख रहे, अनंत कोट ब्रह्मांड, अनंत कोट परव्योमादि, वो सब इसके अंदर है, इस छोटे से घर में। वो धाराकाश है, फिर आगे कहता है वेद, तज्जता हिरण्य निधिम निहितम क्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्त्यो नविन्देयुरेवमेव इमा सर्वा प्रजा आहरहर गच्छन्तेतं ब्रह्मलोकं नविन्देन्त्यनृतेन प्रत्युढाः। 8:3-2 ये जो घर है जिसमें आप भी रहते हैं, उस घर के अंदर बहुत बड़ी निधि गड़ी है, हीरे जवाहरात सब, और हम उसी के ऊपर चल रहे हैं लेकिन भीख मांग रहे हैं। हर हर गच्छन्ति, दिन रात चल रहे हैं उसी घर में, लेकिन एतम ब्रह्मलोकम न बिंदिंद बिंदंती, उस ब्रह्म को, उस भंडार को जो गड़ा है नीचे धन, नहीं जानते। अब अगर कोई ज्योतिषी बता दे, अरे बेवकूफ, तू भीख मांगता है, तेरे घर के नीचे अनंत धन गड़ा है, जरा सा खोद के निकाल लेना। हमने सुना, सुन कहा अच्छा, हमको बेवकूफ बनाता है। अंदर कहां धन होगा, उसको पृथ्वी है। अनंत संतों ने बताया, तेरे अंदर ब्रह्म बैठा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। 18:61 गीता, सबके अंदर बैठा है। तो इसके लिए वेदांत ने लंबा सा कर दिया कई सूत्रों में, दहर उत्तरे भ्या 1:3-13 गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगंच धृतेश्च महिमनो स्यास्मिन्नुपलब्धे प्रसिद्धेश्च इतर परामर्शात सैति चेन्न असंभवात उत्तराच्चेद्दाविर्भूत स्वरूपस्तु। 1:3-13 1:3-14 1:3-15 1:3-16 1:3-17 इन ब्रह्म सूत्रों में वेद व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि वो दहराकाश ही तुम्हारा है, श्री कृष्ण नाम का वही तुम्हारा धन है, तुम जिसको चाहते हो। फिर वेद कहता है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। छांदोग्योपनिषद 3:14-1 मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वगंधा सर्वरसा सर्वमिदमभ्यातो वाक्यनादरा। 3:14-2
छांदोग्योपनिषद, अर्थात वो जो अंदर बैठा है शुद्ध मन से वो ग्राह्य है। तुम्हारा मन अशुद्ध है और समस्त प्राणों की आत्मा है और सत्य संकल्प है वो। संकल्पा देवास्य पितर समुत्तिष्ठन्ति, उसमें आठ गुण है। एष आत्मा पहत पापमा बिजरो बिमृत्युर बिशोको बिजगत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प छांदोग्योपनिषद 8:1-5। अर्थात उन श्री कृष्ण भगवान में आठ गुण है, उसमें एक गुण है सत्य संकल्प। ये संसार कैसे बना? क्या सोचा बन गए? सोचा बन गया बोले? नहीं नहीं, बोले बोले नहीं। साइक्षत साइक्षान चक्रे तदाइक्षत साइक्षत, बस सोचा सो कहा मैं कामना किया सोचा बस। तो एष मा आत्मा अंतर हृदय, मैंने जो मंत्र यहां बताया आप लोगों को ये है 3:14-2। अब अगला मंत्र सुनो, एष मा आत्मा अंतर हृदय 3:14-3। मा आत्मा, मा माने मेरा, आत्मा यानी मैं शरीर हूं, मेरी आत्मा वो है मेरा 3:14-3। फिर आगे चलो, एष मा आत्मा अंतर हृदय एतद् ब्रह्म 3:14-4। इसी को वेदांत ने अपने सूत्रों में भर दिया,